यह सप्ताह सभी के लिए कैसा रहेगा? पढ़े 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। वीकली होरोस्कोप 28 से 3 सितंबर। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विगत सप्ताह के मुकाबले थोड़ा कम लाभ और सफलता दिलाने वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में एक बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसके कारण आप अपने करियर और कारोबार पर कम ध्यान दे पाएंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा कष्टकारक रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण परेशान रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको इस सप्ताह उन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर आपके प्रोजेक्ट में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महिला कामगारों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में धन एवं मान सम्मान की हानि की आशंका है। इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच आपके इष्ट मित्र और आपका लव पार्टनर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं और अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पनपने दें। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन विधि विधान से शिव साधना करें तथा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला जप जरूर करें। वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी झोली में कोई बड़ी खुशी या उपलब्धि गिर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। घर परिवार से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाते समय आपको माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी संभव है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। उच्च शिक्षा की राह में आ रही अड़चनें दूर होने पर मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिम स्रोत का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा। इस सप्ताह रोजी रोजगार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्य क्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का आपको इस सप्ताह बड़ा लाभ मिल सकता है। कारोबार को विस्तार देने की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। बाजार में फंसा धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन की क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपको इस दिशा में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। घर परिवार में सुख शांति कायम रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद लाभप्रद एवं नए संबंधों का विस्तार करने वाली रहेगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं पूजा तथा श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपका आलस्य और अभिमान आपको बड़ी चोट पहुंचा सकता है, इसलिए आपको इन दोनों ही चीजों से बचने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके काम बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह अपना काम किसी के भरोसे छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, अन्यथा उन्हें धोखा हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो धन का लेन देन और कागजी काम करते समय खूब सावधानी रखें। सप्ताह के
अपराध का समय व्यवसाय के लिए थोड़ा चुनौती लिए रह सकता है। इस दौरान कार्यों की धीमी गति आपको परेशान करेगी। कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम लाभ देने वाली रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में ही परिवार के किसी सदस्य या फिर लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में आपको कोई शुभचिंतक मददगार साबित होगा। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। सिंह राशि: सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपने कामकाज और सगे संबंधियों के व्यवहार को लेकर थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं। हालांकि स्थिति इतनी भी ज्यादा खराब नहीं रहेगी जितनी कि आप उसे सोचने या समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस सप्ताह संवाद का सहारा लेते हुए अपने काम को समय से पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपको बेवजह का तनाव नहीं लेना पड़ेगा। घर और बाहर आपको सभी को मिला जुला कर अपना काम निकलवाने की आवश्यकता रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे को मन चाहे फल को पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना पर काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको साझेदार के साथ किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ने पर आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तरार्ध आपके लिए राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। आपका लव पार्टनर आपको तमाम तरह की परेशानियों से उबारने में मददगार साबित होगा। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन सूर्यदेव की उपासना और आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विगत सप्ताह के मुकाबले अधिक शुभ और सफलता लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश में करियर बनाने या कारोबार करने की दिशा में आ रही बड़ी अड़चन दूर होगी। इस दौरान व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा होगा। व्यक्ति विशेष की मदद से किसी लाभकारी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने या फिर घर परिवार से जुड़े किसी जरूरी कार्य को करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको मौसमी बीमारी को लेकर सचेत रहना चाहिए। इस दौरान अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे। उपाय: प्रतिदिन गणपति की उपासना और गणेश चालीसा का विशेष रूप से पाठ करें। तुला राशि: तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। सुखद पहल यह है कि आपके द्वारा की जाने वाली इस भागदौड़ से परिश्रम का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने करियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का विशेष सहयोग मिलेगा, जिसकी बदौलत आप अपने विरोधियों पर आसानी से काबू पा लेंगे। इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में विशेष पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। आपके विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान अचानक से पिकनिक या पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे पार्टनर की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति बेहद ईमानदार रहेंगे और उसके साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें और किसी पुराने रोग के उभरने पर उसे नजर
नजरअंदाज न करें, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलने के साथ अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उजड़ सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलकारक रहेगा। बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में स्वजनों से मतभेद हो सकता है, अतः इस दौरान परिवार के लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल न दे और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। वृश्चिक राशि के जातकों को सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के लिए अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध में इस राशि के जातकों को फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि एक छोटी सी भूल के कारण आपके प्रेम संबंध में दरार आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि: धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को कल पर टालने या फिर किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वाध में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपके कारोबार में तेजी से प्रगति होती नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ बढ़ते व्यवसाय को संभालने और अधिक से अधिक लाभ कमाने की चिंता भी बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कामकाज के साथ सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अधिक परिश्रम और अनियमित दिनचर्या के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से बचने के लिए इस दौरान अपनी सेहत और खान पान का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अध्ययन के प्रति एकाग्रता भंग हो सकती है। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प एवं पीले चंदन अर्पित करके पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध आपके लिए ज्यादा गुड लक लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर सरलता से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आप खुद को चुस्त और दुरुस्त पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर तो वहीं निजी जीवन में घर परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश करने के लिए लंबे समय से प्रयास रखें तो आपकी इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़े साधन या फिर घर की मरम्मत आदि पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उजड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आपको किसी उत्सव या धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और उसके साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना और सुंदर कांड का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें। कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको इस सप्ताह उन लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत रहेगी जो आपको गुमराह करने या फिर आपके काम को बिगाड़ने की फिराक में लगे रहते हैं। इस सप्ताह सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने और दूसरों के मामले में बेवजह दखल देने से बचने की
जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी या फिर किसी पुराने रोग के उभरने के चलते शारीरिक कष्ट सहना पड़ सकता है। करियर कारोबार के सिलसिले में असमय की गई यात्रा थकान भी और आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं और यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ख्याल रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार का विस्तार या फिर धन निवेश करते समय किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और ऐसा कोई कार्य न करें जो आपके रिश्ते को कमजोर करने का कारण बने। यदि आप सिंगल हैं और किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना चाहिए। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय: प्रतिदिन जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और रुद्राष्टक का पाठ करें। मीन राशि: मीन राशि के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा और उच्च पद की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के लिए प्रयास रखते तो इस सप्ताह इस दिशा में किया गया प्रयास सफल हो जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार से संबंधित छोटी मोटी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपने विवेक से उसे दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए बेहद शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस दौरान आपको कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। नवविवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में किसी सदस्य को मिली उपलब्धि के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध के दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। आपकी अपने पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों में हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।